Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. Yesterday we have discussed about Fourier series. So myself is Dr. Vimal Saraswat. तो कल हमने पढ़ा था कि Fourier series क्या है, Fourier coefficient क्या होंगे. अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं exponential form of Fourier series. Fourier series का exponential form क्या होगा, चर घातांकीय रूप क्या होगा. तो Fourier series कल हमने देखी थी. y is equal to a naught plus sigma n equal to 1 to infinity a n cos n omega t plus sigma n equal to 1 to infinity b n sin n omega t. तो ये हमारी थी Fourier series. अब यहां पर हमने a 0 a n and b n, ये हमारे क्या थे, Fourier coefficient या Fourier गुणांक. इनकी वैल्यूज कल हमने डिटरमाइन की थी कि a नॉट क्या होता है, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी y dt. इसी टाइप से अगर हम a n और b n की बात करें, तो a n हमारा था 2 by t 0 टू टी y cos n ओमेगा t dt. सो a 0 हमारा a था, ए एन हमारा ए था, और बी एन क्या था, बी एन में केवल कॉस की जगह आपका साइन था. सो बी एन इक्वल टू 2 बाई टी 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी. सो ये हमारी Fourier सीरीज थी. ए जीरो ए एन एंड बी एन Fourier कोएफिशिएंट थे जिनकी वैल्यूज हमको निकालनी होगी. तो इनके लिए फॉर्मूला क्या है, a 0 1 upon t 0 to t y dt, a n 2 by t integration 0 to t y cos n omega t dt, and b n हमारा है 2 by t integration 0 to t y sin n omega t dt. अब अगर हम इस Fourier series का exponential form लें या चर घातांकीय रूप लें, तो वो क्या होगा, वो हमको यहां पर डिस्कस करना है. So, ये हमारी Fourier सीरीज थी. अब अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें, सो कोई भी पीरियडिक फंक्शन ले लेते हैं. सो पीरियडिक फंक्शन या आवर्ती फलन हमारा क्या है, सो पीरियडिक फंक्शन या आवर्ती फलन हमारा क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू a नॉट प्लस, उसी सीरीज को हम लेके चल रहे हैं, a1 वन कॉस ओमेगा टी प्लस a2 टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस a एम कॉस एन ओमेगा टी. इसी तरह आगे चलता रहेगा प्लस b1 वन साइन ओमेगा टी प्लस बी टू साइन टू ओमेगा टी प्लस बी एम साइन एन ओमेगा टी एंड सो ऑन. के हमारा क्या है, पीरियडिक फंक्शन या आवर्ती फलन. सिंपली वाई की जगह मैंने एफ ऑफ टी ले लिया है, फंक्शन ऑफ टाइम. आप चाहो तो वाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो ये हमारा कोई भी पीरियडिक फंक्शन है. अब मेरे को Fourier सीरीज का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेना है, चर घातांकीय रूप लेना है. तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं लिख देता हूं एफ ऑफ टी इक्वल टू ए नॉट, इसी फॉर्म में लिख देते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा टी. फिर बी एन वाले की बात करेंगे, तो जाओ तो आप इस तरह से लिख दो, सिग्मा एक बार लिख दिया है, सो प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी. ये हमारा फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है. अब कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इनके फॉर्मूला को पता है. कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू, ये कॉस है. इसी तरह से अगर हम साइन लें, तो साइन क्या होगा,
साइन थीटा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू आयोटा। कि साइन थीटा का फॉर्मूला, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला। अब यहां पर थीटा की जगह एम ओमेगा टी है, इट मींस कॉस एम ओमेगा टी क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा एम ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एम ओमेगा टी अपॉन टू, ये कॉस एम ओमेगा टी। अब साइन एम ओमेगा टी की बात करें, सो साइन एम ओमेगा टी क्या जाएगा, साइन एन ओमेगा टी इक्वल टू ई रेस टू आयोटा एन ओमेगा टी माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा एन ओमेगा टी अपॉन टू आयोटा। सो कॉस एन ओमेगा टी ये है, साइन एन ओमेगा टी ये है। अब ये वैल्यूज मैं इक्वेशन वन में रख देता हूं, और आयोटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन। आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। सो अगर मैं ये यहां पर रखू, सो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए डॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन ओमेगा टी अपॉन टू। ये हमने कॉस की वैल्यू रखी है, अब हम रखेंगे साइन की वैल्यू। सो प्लस बी एन एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ओमेगा टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन ओमेगा टी अपॉन टू आयोटा, ये हो गया। अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज कैसे करोगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ओमेगा टी को कॉमन लेंगे, जो भी इसके अंदर आएगा वो वैल्यू पर लिखनी है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन ओमेगा टी को भी कॉमन लेना है, जो भी वैल्यू आपको ब्रैकेट में मिलेगी उसको लिखना है। सो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या होगा, ए नॉट प्लस, ए नॉट अपनी जगह पर है, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे क्योंकि इसके साथ में एक्सपोनेंशियल का फंक्शन नहीं है, प्लस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी। कॉमन आप क्या लेने जा रहे हो, एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ओमेगा टी, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ओमेगा टी कॉमन लूंगा, चलो अपॉन टू बी लिख लो बाहर, फिर यहां पर हमारे पास में है ए एन, सो ए एन यहां पर अगर देखें एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ओमेगा टी जो आपने बाहर ले लिया है, ये टू भी आपने बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, प्लस बी एन अपॉन आयोटा। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं हो, नाउ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन ओमेगा टी को कॉमन लेते हैं, तो यहां भी कॉमन आएगा, यहां पर भी कॉमन आएगा। सो प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन ओमेगा टी, नीचे टू भी आप बाहर ले लो, सो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां पर हमारे पास बचा हुआ ए एन, सो ए एन। अब यहां पर ये माइनस, सो माइनस बी एन अपॉन आयोटा, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में या हर में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो यहां से आयोटा रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। इसी तरह से यहां पर भी आयोटा आ रहा है, यहां पर भी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन, यह आयोटा स्क्वायर भी माइनस वन। सो दिस विल बी इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन
माइनस, तो आई एन स्क्वायर माइनस हो गया आयोटा बी एन अपॉन टू, कौन सा टू, ये वाला, क्या बचा हुआ है एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां की बात करें तो प्लस ए एन, ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस और ये माइनस मिलते प्लस, सो प्लस आयोटा बी एन अपॉन टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन ओमेगा टी, ये आ गया। सो एफ ऑफ टी क्या हो गया, ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ए एन माइनस आयोटा बी एन अपॉन टू एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ओमेगा टी प्लस ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन ओमेगा टी, तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस ए जीरो को मैं लिख देता हूं सी जीरो, देन इस ए एन माइनस आयोटा बी एन को हम लिख देते हैं सी एन, एंड ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई टू को हम लिख देते हैं सी माइनस एन, ये माइनस है, हमारा सी नॉट, ये सी एन और ये सी माइनस एन। सो अगर आप ये लिखोगे सो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ऊपर केवल सीरीज लिखी हुई थी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, आप चाहो तो इसका एक बार इसमें फॉर्म ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं, यहां पर क्या लिखा होता है एक बार वापस लिख देता हूं, जिससे अगर किसी को नहीं उतार तो उतार सकता है। सो हो जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी एंड सो ऑन प्लस बी वन साइन ओमेगा टी प्लस बी टू साइन टू ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, ये लिखा हुआ था। और इसके बाद में क्या किया था, सिंपली यहां पर इसको सिग्मा नोटेशन में लिख दिया था जिससे उसी टाइप की इक्वेशन बन गई थी, मीन्स ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, टी लिखा हुआ था, वापस मैंने लिख दिया है, अब आप इसकी फोटो ले लो। ठीक है, तो हम इसको ये लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सी जीरो प्लस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी टी एन ई रेस टू आयोटा एन ओमेगा टी प्लस सी माइनस एन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन ओमेगा टी, ये हो गया। अब हम क्या करोगे, इसको पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, यहां पर क्या है एन और एन की वैल्यू कहां से, वन से लेके इन्फिनिटी तक, यहां पर माइनस एन आ रहा है, सो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा, अगर मैं एन लिखूंगा तो एन की वैल्यू माइनस वन पर लगा था, माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक,
इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जहां पर इधर n लिया है यहां पर माइनस n लिया है, तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो। इसके लिए अगर मैं यहां पर n लिख दूं तो यहां पर n की वैल्यू कर देंगे माइनस 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। आगे मुझे लिख लो बोले एक बार, ये क्या हो गया c माइनस n, n इक्वल टू माइनस 1 से वापस लिख देता हूं मैं, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, सो सिग्मा एन इक्वल टू माइनस 1 से लेके माइनस इंफिनिटी सी एन ई की पावर माइनस ई की पावर आयोटा एन ओमेगा टी, ये आ गया इफ ई जीरो। तो सिग्मा सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया सी जीरो ई की पावर आयोटा जीरो ओमेगा टी, एन की जगह यहां पर जीरो हो गया। तो सी जीरो की जगह पर ई रेस टू जीरो का मतलब होता है वन, तो वन। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो प्लस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन ई की पावर आयोटा एन ओमेगा टी। तो ये जो एक्चुअल में सीरीज हमने ऊपर लिखी है वो ये है। अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं पूरा कंबाइन कर दूं तो ये क्या हो गया सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस वन से माइनस इंफिनिटी यहां पर आ गया। इस हिसाब से इसको उल्टा लिखना चाहिए था, क्योंकि माइनस इंफिनिटी छोटा है माइनस वन बड़ा है, तो इसको इस तरह से लिखो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन, तो एन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन इसमें आ गई, उसके बाद जीरो यहां आ गया और वन से लेके इन्फिनिटी और वन से लेके इन्फिनिटी यहां पर आ गई। तो अगर इसको कंबाइन करें तो माइनस इन्फिनिटी से चालू हुआ जीरो होता हुआ प्लस इन्फिनिटी तक, तो सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई की पावर आयोटा एन ओमेगा टी। सो ये हमारी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज या फोरियर श्रेणी का चर घातांकीय रूप, एफ ऑफ टी इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई की पावर आयोटा एन ओमेगा टी। सो दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज या फोरियर श्रेणी का चर घातांकीय रूप, इसको आप नोट कर लो। नाउ सी एन, सी एन हमने माना था ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई टू को, तो सी एन एक्चुअल में क्या है यहां पर उसको देख लेते हैं। माइनस आयोटा बी एन बाई टू, इसको हमने सी एन लिया था, सी एन
यहां पर एन क्या है, 2 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी डीटी, एंड बीएन हमारा है 2 बाई टी 0 टू टी एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी डीटी। तो ए एन ये है, बी एन ये है, और सी एन हमारा है ए एन माइनस आइटा बी एन बाई टू। अब सीरीज हमारी क्या थी, सीरीज थी सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सी एन एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ओमेगा टी। ये हमारी फूरियर सीरीज का एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। नाउ सी एन एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब ये क्या देगा, सी एन इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सी एन क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन मीन्स सम्मिश्र फलन। तो सी एन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या सम्मिश्र फलन है। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसका मतलब इसमें रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा, वास्तविक मान भी होगा और आभासी मान भी होगा। तो इसको क्या लिखते हैं, सो सी एन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा एन एंड सी माइनस एन की अगर बात करें, सो सी माइनस एन इक्वल टू सी एन स्टार। सी एन स्टार का मतलब सी एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सम्मिश्र संयुग्मी। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये सम्मिश्र संयुग्मी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, सिंपली जहां पर आयोटा है उसकी जगह आप माइनस आयोटा लिखोगे। सो सी माइनस एन या सी एन स्टार क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा एन, ये हमारा c माइनस एन या सी एन स्टार है। नाउ सी एन हमारा ये था, ए एन ये है, बी एन ये है, ये इसका रियल पार्ट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन। मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सपोज हमारे पास में ए प्लस आयोटा बी जेड है और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड निकालना है, तो क्या करोगे, रियल पार्ट क्या है ए, इसका स्क्वायर ले लो, इमेजिनरी पार्ट क्या है बी, इसका स्क्वायर ले लो और फिर रूट निकाल दो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम यहां पर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 1 बाई 2 तो अलग नहीं है, ये अलग आ गया, रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है ए एन, एन स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ में जो वैल्यू होती है वो हमारी इमेजिनरी होती है, तो आयोटा के साथ में क्या है माइनस बी एन, क्योंकि माइनस आयोटा बी एन है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस बी एन। सो माइनस बी एन का स्क्वायर कर दो, क्या हो गया रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। सो 1 बाई 2 अपनी जगह पर है, सी एन का मैग्नीट्यूड आ गया 1 बाई 2 रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, सी हमारे मैग्नीट्यूड आ गया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन हमारा ई हो गया, थीटा हमारा एंगल है। नाउ ये रियल एक्सिस, सपोज यहां पर वैल्यू ए, ये रियल एक्सिस, ये वास्तविक अक्ष और ये हमारी होती है इमेजिनरी अक्ष काल्पनिक अक्ष। यहां पर वैल्यू हमारे पास में बी,
तो ये तो क्या बी और ये होगा ए, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। सो अगर आपको थीटा निकालना है, मीन्स एक्चुअली में टेन थीटा निकालना है पहले, तो टेन थीटा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंबवत है आधार, परपेंडिकुलर बी बेस ए, लंब बी आधार ए, सो बी बाई ए। सो अगर आप थीटा निकालोगे तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। बी का मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर जो वैल्यू है, यहां पर इमेजिनरी एक्सिस पर वैल्यू क्या है, माइनस बी एन बाई टू, और इन एक्सिस पर वैल्यू है ए एन बाई टू। सो अगर मैं थीटा निकालू तो थीटा क्या आएगा, tan थीटा n इक्वल टू माइनस बी एन बाई टू अपॉन माइनस ए एन बाई टू, सॉरी नीचे माइनस नहीं है क्योंकि सिंपल ए एन बाई टू है, टू से टू कैंसिल कर दो, ये क्या होगा माइनस बी एन बाई एन, इट मीन्स थीटा n हो गया tan इनवर्स ऑफ माइनस बी एन अपॉन ए एन। तो यहां पर ये जो थीटा n था उसकी वैल्यू ये है, और मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन की वैल्यू हमारी 1 बाई टू रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज हो गया है। इसका स्नैपशॉट ले लो, तो यहां पर हम आज का हमारा टॉपिक एंड करेंगे। आज हमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज या फोरियर श्रेणी का चर घातांकीय रूप। इसी तरह से फोरियर सीरीज के आगे के लेक्चर भी हम लेते लेकर आपके पास आते रहेंगे। एप्लीकेशन इसकी क्या है, स्क्वायर वेव के लिए फोरियर सीरीज कैसे सॉल्व करोगे, ट्रायंगुलर वेव के लिए कैसे करोगे, इसी तरह से शॉर्ट रूट वेव के लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या होगा, ये सारे हम आगे के हमारे लेक्चर में लेंगे। सो गुड बाय।